गुड मॉर्निंग खुशखबरी कलेशिया। आशा करता हूँ सब परमेश्वर की आशीष से आप भरे हैं घर पे और तंदुरुस्त और मजबूत है घर पे। आओ, जैसा आज रविवार है, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एक फिल्म का डायलॉग याद दिलाना चाहूँगा। अगर आप शोले फिल्म का नाम आपका मन में आता है तो आपको कौन सा डायलॉग सबसे ज़्यादा आपको मन में घुसता है? कुछ लोग कहते हैं कि जो डर गया और वो मर गया। ये वचन, ये जो डायलॉग हमने बहुत बार सुना है और ये फिल्म को हमने बहुत बार देखा है, लेकिन इस डायलॉग में एक छोटी सी एक बात है जो डर के बारे में, जो कहता है जो डर गया और वो मर गया। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज एक ऐसी कहानी बताना चाहूँगा जिसने डरा लेकिन उसके बाद उसने जो विश्वास किया, वो विश्वास ने उसको जो डर से उसको बाहर निकाला और उसने दूसरे को भी उसने बचाया। हम कहानी देखेंगे ऐसे जो डर के आगे उसने जीत हासिल किया है। जो डर था उसने अपने प्रभु परमेश्वर के हाथ में दे दिया और उसने उस डर को सामना करके उसने विश्वास से कदम रखा आगे और प्रभु का उसने जो काम था उसने वो पूरा किया। क्या आप तैयार है उस व्यक्ति के बारे में सुनने के लिए? और उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, परमेश्वर आपका जो विश्वास है परमेश्वर, हमें हर एक डर से जीत दिला सकती है परमेश्वर, और दिलाया भी परमेश्वर आज तक हमें परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर आपका विश्वास हमारे जीवन में भर दे परमेश्वर। परमेश्वर विश्वास परमेश्वर जो पतरस के पास था, जो आपके लिए था परमेश्वर, आपके साथ के जब था परमेश्वर, वो विश्वास हमें दे परमेश्वर। परमेश्वर जो हर एक जो किरदार जो बाइबल में परमेश्वर विश्वास से वो लोग ने जीत हासिल किया परमेश्वर, और वो लोग ने डर का सामना किया और जीत हासिल किया परमेश्वर। आज हमें भी ऐसा विश्वास दे, हम भी इस हालात को डर से नहीं लेकिन विश्वास से देखे परमेश्वर। इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आमीन, आमीन। और मैं आज दो कहानी बताऊंगा। एक कहानी तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, पतरस का पानी के ऊपर चलना। आप सबको मालूम है पतरस किस हालात में पानी पे चला, कौन से समय पे चला, किसने उसको कहा था पानी पे चलने के लिए, हम सबको मालूम है। और दूसरा कहानी है, बहुत लोगों को कम मालूम है लेकिन उसका नाम याद है, लेकिन उसका थोड़ा कहानी उतना जल्दी उसको दिमाग में नहीं आता है कि उसका नाम लेने के बाद उस कहानी को हम तुरंत याद नहीं करते। लेकिन जो पतरस का कहानी है इसे सबको जुबानी याद है। पतरस ने पानी पे चला, फिर गिर गया। क्यों गिर गया वो, अब हम देखते हैं। उसके बाद हम दूसरी कहानी पे जाएंगे। तैयार है पहले पतरस की कहानी सुनने के लिए? इस कहानी में ऐसा है, यीशु कुछ लोग चेलों को नाव पे बिठा देते हैं और कहते हैं आप झील के उस पार जाओ, और यीशु खुद अकेले प्रार्थना के लिए समय बिताने के लिए चले जाते हैं पहाड़ी पे। और जैसे यीशु का प्रार्थना करके आने का समय होता है तब तक काफ़ी अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में उसी समय तूफान होता है पानी में, जो झील में जो नाव में थे उस पानी में बहुत सारी तूफानें उठने लगी, हवाएं तेज लगने लगी। जो बाकी चले थे सब डर गए थे, सब डर के वो लोग चिल्ला रहे। उसी समय देखते हैं कि कोई व्यक्ति दूर से धीरे धीरे उनके पास आ रहा है, और चेले डर जाते हैं और बोलते हैं अरे भूत है। लेकिन प्रभु आपसे कहते हैं मैं हूँ, प्रभु कहता है मैं है। तो पतरस कहता है अगर सच में प्रभु आप है तो मुझे भी आज्ञा दो कि पानी पे मैं भी चल सकूं। तो प्रभु यीशु उसे आज्ञा देता है चल। पतरस जैसे ही नाव से उतरता है चलने लगता है, सामने प्रभु यीशु खड़ा है और उसके आजू बाजू सब तूफाने उठ रही है, हवा तेज चल रही है, तूफाने उठ रही है। और देखता है जब पतरस उस तूफान को देखता है तो वो डर के मारे गिर जाता है पानी में और वो डूबने लगता है। क्यों? क्योंकि वो डर गया। और एक बात यह है, जब हम डरते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो कम होने लगता है। जितना हम डरते हैं उतना हमारा विश्वास कम होने लगता है। इसलिए जब हम पतरस से देखते हैं, जब वो डर गया और वो गिर गया लेकिन प्रभु सामने खड़ा है उसको, लेकिन हालात से इतना डर गया वो गिर गया। फिर एक अच्छी बात वहां पे यह है, प्रभु यीशु ने जैसा कहा था कि आजा उतर,
जब प्रभु यीशु ने कहा है तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। जैसे पतरस डूबने लगता है तो प्रभु यीशु उसको हाथ पकड़कर उसको उठा के उसको नाव पर लाता है। ये सब कहानी सबको हम सबको पता है। ये जो डर है, जो पतरस ने जो देखा हालात को, क्या हो गया, वो डर गया। अभी हम उल्टा देखते, जब हम डरते हैं तो हालात को हम लोग अलग नजरे से देखते हैं। यहाँ पे पतरस के स्टोरी में कैसा था, पतरस ने देखकर डर गया और वो डूब गया। और दूसरा बात ये भी है, जब हम डर जाते हैं तो हम हालात को कुछ अलग नजरे से देखते हैं। उदाहरण के लिए हम इस फोटो को देखेंगे, आप चाहे तो जब ये फोटो को पर वीडियो पॉज करके इस फोटो को देखो। जैसा आपने देखा इस फोटो में, क्या देखा आपने इस फोटो में, एक छोटी सी लड़की है, आपने देखा होगा उस लड़की के क्या है, पैर पतले है। अब कुछ लोगों को लगा उसको बकरी का पैर है, लेकिन जब हम डरते हैं तो हालात को इसी नजर से देखते हैं। फिर यही फोटो को हम दोबारा देखेंगे, अब कैसा लगा आपको इस फोटो में, क्या था, जब हम डरे होते हैं तो उस हालात को अलग नजर से देखते हैं। लेकिन अभी जब हम फोटो देख रहे हैं उसमें कैसा है, उस लड़की के हाथ में कुछ नहीं है, वह लड़की ठीक है, उसके हाथ में सिर्फ पॉपकॉर्न है, और जो भी पॉपकॉर्न क्या है, खाने वाली चीज है। लड़की पॉपकॉर्न लेके खड़ी है और किसी ने उसी वक्त उसका फोटो निकाला है, और दिखने में कैसा दिख रहा है, उसकी लड़की का पैर छोटा हो गया या पोलियो हो गया है, लेकिन लड़की तो तंदुरुस्त है, ठीक है। इसी तरह जब हम डरते हैं तो हालात को हम लोग कमजोर रीति से देखते हैं। जैसे आज भी जो मौसम चल रहा है हमारे पड़ोस में, जो हमारे देश में, हमारे संसार में जो मौसम जैसा हालात चल रहा है, हम अगर हम डरे हैं तो हम हालात को और गंभीर रीति से देखते हैं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास है तो हम इस विश्वास में भी हम जो ऐसे मौसम में भी हम लोग कुछ अच्छा ही ढूंढेंगे। अब अगली कहानी देखेंगे, उस व्यक्ति ने क्या देखा जब डरा हुआ था। तो उस कहानी में प्रभु यीशु कहता है, इसे डर में भी मैं आप कुछ अच्छा दिखाने वाला हूँ, कुछ अच्छा होने वाला है। आओ देखिए उस कहानी, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जो व्यक्ति ऐसे उसने प्रभु पे विश्वास किया और उसने बहुत कुछ उसने हासिल किया, उसने डर को प्रभु के सामने रखा और उस डर के ऊपर उसने विजय हासिल किया। हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उस व्यक्ति का नाम क्या है, प्रेरितों के 9 अध्याय 10 में लिखा है, उसमें हम पढ़ेंगे। दशमिक में हनन्याह नामक एक चेला था, उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह, उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उसे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसूसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसी को प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों में से छिलके से गिर के और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हम इस कहानी में देखते हैं, हनन्याह की कहानी है।
उससे पहले हम उसके थोड़े पिछले भाग में जाते हैं। उसमें कैसा था, एक शाऊल नामक एक व्यक्ति था, उसका आगे जाके उसका नाम पौलुस पड़ता है। हम सब उसके बारे में बहुत सारे, उसने बाइबल के बहुत सारे किताबें जो नया नियम की उसने लिखा है, उस व्यक्ति को बहुत सारे लोग उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। वो कैसा व्यक्ति था पहले, वो पहले ऐसा व्यक्ति था, उसका शुरुआत ऐसा होता है, जो कोई मिला उसको व्यक्ति जो प्रभु को मानता है वो उसके ऊपर गुस्सा करता था, उसको मार डालता था। यानी जो प्रभु को, जो प्रभु यीशु के नाम पे, जो परमेश्वर के जो नाम लेता था, उसको वो दंड देता था। भले उसके अंदर कुछ अधिकार नहीं था, लेकिन वो लोगों के ऊपर गुस्सा निकालना, अधिकार से डराना, मारना, पीटना, बंदी घर में डालना, वो ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के लोगों के लिए बहुत एक तरह का जो दुश्मन था, जो लोग उसको बहुत डरते थे, जो विश्वासी लोग थे उस समय के, जब साऊल का नाम लेते सुनने से उनका जो डर थे, वो लोग डर के छुप जाते थे वो लोग। तो ये व्यक्ति को इसने क्या किया, प्रभु के लोगों के लिए मारने के लिए उसने अधिकारी से, जो गवर्नमेंट से उसने परमिशन लिया, और प्रभु को जो मानते हैं लोगों को मारने के लिए वो निकला है। और जैसे आगे के रास्ते में जाता है तो उस समय उसका मुलाकात प्रभु से हो जाता है, और वो वहाँ पे प्रभु से मुलाकात होने में वो प्रभु से उसकी बातें होती है, प्रभु वहाँ से उसे कहता है तू मुझे क्यों सता रहा है। तब मुझे एहसास होता है कि मैं जो जिन लोगों को सता रहा हूँ, मैं उन लोगों को नहीं लेकिन प्रभु को सता रहा हूँ। तो उस समय वो उस बातें में प्रभु का जो प्रकाश था, उतना प्रकाश उसने जब देखा तो उसकी आंखें बंद हो गई, जैसा वो अंधा हो गया। और कुछ दिनों से, 3 दिनों से वो ऐसे ही उसके जीवन, उसका वो घर पे है, ना खाया ना पिया है। लेकिन उसी बीच जहाँ पे उसका पौलुस का जो शाऊल था, उसका जो वहाँ पे आंखें बंद हो गई, अंधा हो गया, वो एक जगह पे है, और दूसरी जगह पे हम देखते हैं हनन्याह के साथ प्रभु उसे बातें करता है, उसके साथ आता है और उसको बोलता है हे हनन्याह, उसका नाम लेके बोलता है। उससे पहले इस हनन्याह को ज़्यादा लोग शायद जानते नहीं होंगे उस समय पे, लेकिन प्रभु यीशु उसे जानता था। उसको वहाँ पे आते हैं, उसको मिलते हैं प्रभु, और उसको कहता है हे हनन्याह। तब हनन्याह बोलता है जी प्रभु, क्या आज्ञा। तो प्रभु उसको बताते कि मैंने इस जो शाऊल है उसको मैंने तेरे लिए चुना है, तू जाके उसके लिए प्रार्थना कर। तो हनन्याह के मन में तुरंत क्या ख्याल आता है, अरे ये शाऊल क्या करने वाला था। हनन्याह को भी सब पता है, ये शाऊल प्रभु के लोगों को मारने के लिए गवर्नमेंट से, अधिकारी से ऑर्डर लेके आ रहा है, सबको पता था। कि तो इसने तुरंत प्रभु के पास अपना डर रख देता है, बोलता है प्रभु ये व्यक्ति तो आपके लोगों को मारने के लिए आया है, और आप चाहते मैं उसके पास जाऊं। तो प्रभु को ये, जैसा हनन्याह बोलता है कि प्रभु ये व्यक्ति ऐसे ऐसा करने वाला है, तो प्रभु इसे उसे कहते हैं, वचन में लिखा है, उसे कहते हैं कि तू जा, क्योंकि वो भी मेरा एक चुना हुआ व्यक्ति है, उसको मैंने चुना है ताकि वो मेरा नाम के लिए वो दुख उठाए, मेरे नाम के लिए वो सताया जाए। तो वो भी एक मेरा चुना हुआ एक व्यक्ति है। तो हनन्याह को एक शांति मिलती है जब प्रभु ने उसे कहा ये भी मेरा एक चुना हुआ व्यक्ति है। तो हनन्याह के दिल में एक शांति आती है, वो विश्वास आता है प्रभु के, भले कुछ भी हो जाए मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा। और हनन्याह उठता है, तुरंत उसके पास जाता है, उसके व्यक्ति के ऊपर उसने सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है, और वो व्यक्ति का जो आंखें बंद हुई थी तुरंत कुछ गिर जाती है और छिलके जैसे उसकी आंखों से, और वो ठीक हो जाता है। तो इस कहानी में हम क्या देखते हैं, इस कहानी में इस हनन्याह जो व्यक्ति था वो कैसा था, जो डर था उसके मन में उसने प्रभु के पास रख दिया। हमें भी ऐसे ही करना है, जो कुछ हम डरते हैं प्रभु के पास रखना बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता उस जगह पे क्या हो रहा है, जैसा जो शाऊल के साथ जो प्रभु कुछ कार्य कर रहा है, इस व्यक्ति को नहीं मालूम था हनन्याह को, जब तक प्रभु उसको खोल के नहीं बताते। और ये आज भी ऐसे ही है, जब प्रभु हमसे कुछ कहता है कुछ, या कुछ ऐसे कुछ हालात बन जाती है, जब हम डरने लगते हैं हालात से, तो हमारा जो डर है प्रभु के पास रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है प्रभु उसमें भी कुछ भलाई उत्पन्न कर रहा है, हमें नहीं पता है। अगर हनन्याह डर के कह देता प्रभु मुझे नहीं जाना है, वो मुझे मार देगा, तो नहीं जाता, तो शाऊल प्रभु किसी और को चुनता था। लेकिन
इसका जो है था उसका जो विश्वास के कारण आज उसके बाइबल में उसका नाम लिखा गया है। अगर वो नहीं जाता तो कोई और जाता तो उसका नाम लिखता, बाइबल में उसका नाम आ जाता। तो वैसे हमारा जो विश्वास है हमें प्रभु के पास लेना है, विश्वास को लेना है, और जो डर है प्रभु को देना है। जब तक हम डर को प्रभु के पास नहीं देंगे तब तक हम आने वाली चीजों को नहीं देखेंगे। नहीं तो हम डर से कौन सी चीजें देखेंगे, सिर्फ डिफेक्टिव चीजें देखेंगे जिसमें कुछ खोट है चीजें में। वही सिर्फ हम खोट को वो डर के अंदर ही उसके अंदर उस चित्र में छुपा रहता है सब हमारा खोट, लेकिन हम उसको बराबर से नहीं देखेंगे। हम सब चीजों को डरे डरे देखेंगे, या फिर हम सब चीजों को हर एक जो हमारे साथ होता है हर एक यानी हालात को हम सिर्फ डर की नजर से देखेंगे। जब मैंने जैसे पहले चित्र दिखाया, जब हम डर से हालात को देखेंगे तो हम डिफेक्टिव चीजें देखेंगे कि उसका कुछ कमजोरी है या वो हालात ऐसे है, हम ऐसे देखेंगे। जब हम डर को परमेश्वर के हाथ में देंगे तब हम अच्छी चीजें देखेंगे। जैसे हनन्याह ने क्या किया, अपना डर प्रभु के पास रख दिया और उसमें अच्छी चीजें देखा, और उसने जाके उस शॉल को अपना जाकर उसके ऊपर प्रार्थना किया, डर का उसने सामना किया। उस समय शॉल के पास खड़ा रहना ही, बहुत डरते थे लोग, विश्वासी लोग तो बोलते डर के मारे वो लोग बेहोश हो जाने का, ऐसा उस ऐसा व्यक्ति था, क्योंकि वो खतरनाक था। इससे पहले उसका जो रिकॉर्ड था सिर्फ प्रभु के लोगों को ही वो मारता था। यानी अगर आप प्रभु को जानते हो तो उसके सामने खड़ा रहना ही आपके लिए एक धैर्य की बात है, डेयरिंग की बात है जैसे कहते हैं ना। और इसने हनन्याह ने उसके सामने जाके खड़ा ही नहीं हुआ, उसके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखे उसने प्रार्थना किया। तो इसने अपने डर का भी सामना किया और उसने देखा विजय पाया। और क्या विजय पाया, शॉल जो था वो पौलुस में बदल गया। प्रभु ने चुना है, लेकिन इसने जब प्रभु ने उसको जब चुना तो हमें भी ऐसे ही देखना है। जब प्रभु ने कुछ कार्य के लिए आपको बुलाया है, आपको जो भी डर है उस प्रभु के सामने रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम हर चीजें डिफेक्टिव नजर से देखते रहेंगे। आपको एक और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो डर है आपको सिर्फ डरा सकती है। देखा हमने डर जो था पत्रस को डराया और उसको डर के कारण वो गिर गया, लेकिन जो डर है उसको हरा नहीं पाया, पत्रस को हरा नहीं पाया और ना ही हननयास को हरा पाया। क्यों, उसके साथ कौन था, प्रभु था, प्रभु यीशु थे। आज आपके साथ भी प्रभु यीशु है। अब हम अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे क्योंकि अब प्रभु यीशु हमारा बहुत पवित्र है, उसके जो दर्शन बहुत जिसके जो प्रकाश है उस प्रकाश से हम अनजान है। इसलिए जब हम प्रभु यीशु हमारे साथ, आज प्रभु यीशु है, आप ये मत सोचना कि प्रभु यीशु नहीं है इस हालात में भी, प्रभु यीशु आपके साथ ही है। जैसे पत्रस में जब देखा प्रभु यीशु खड़े थे लेकिन उसकी नजर हालात के ऊपर गई और वो गिर गया, हमारा भी आज ऐसे ही है। प्रभु परमेश्वर आपके साथ है लेकिन हालात चारों ओर भी है, प्रभु यीशु भी आपके साथ है, हालात भी है। तो हमें हालात के ऊपर नजर नहीं रखना है, हमारी नजरें प्रभु यीशु के ऊपर बनी रहना है। जब हमारी नजरें प्रभु यीशु के ऊपर बने रहेंगे तो हम हर एक चीज को हम आसानी से विजय पाएंगे। मेरा मकसद यह है, जो डर है आपको सिर्फ डरा सकती है, गिरा सकती है, लेकिन आपको हरा नहीं सकती है, भले कोई भी डर हो आपको। जैसे आपको डर होने लगता है तो आपका जो विश्वास है प्रभु से वो कम होने लगता है, डर बढ़ने लगता है तो विश्वास कम होने लगता है। जब प्रभु पे विश्वास आपको बढ़ने लगता है तो डर कम होने लगता है। तो हमें विश्वास को बढ़ाना है प्रभु पे, जो डर को हमें घटाना है। डर आपको, जैसे मैंने कहा, डर आपको डरा सकता है, गिरा सकता है, लेकिन हरा नहीं सकता है। क्यों, ऑलरेडी प्रभु यीशु ने हमारे लिए उस क्रूस पे जीत हासिल किया है, तो हमें हरा ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी जीत रजिस्टर हमारे नाम का हो गया है। तो हमें याद रखना है, कितने भले आपके सामने हालात हो, ये हमेशा याद रखना, प्रभु यीशु आपके साथ हर स्थिति में आपके साथ है, हर परिस्थिति में आपके साथ है। भले आपको दिख नहीं रहेंगे प्रभु यीशु, लेकिन आपके साथ है। विश्वास हमें करना है, प्रभु हमारे साथ हमेशा है, क्योंकि वचन कहता है प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। तो उसका मतलब ये, हमारे साथ सदैव प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है, उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है मदद करने के लिए। हमें सिर्फ हालात को हमें प्रभु यीशु के पास रखना है और हमारे डरों को उसके सामने रखना है। जब हम डर को सामने रखेंगे तो हम विजय पाएंगे। आमीन। आज हो सकता है आप हनन्याह जैसे जीवन में जी रहे हो, उसके जीवन में आप है,
या फिर हो सकता है पतरस के जीवन में है, यानी पतरस के जैसे आप है जो डर गया और वो गिर गया। आपको लगता है आपने गिर गया होगा, लेकिन याद रखना आपके साथ कौन है? प्रभु यीशु है। जैसे मैंने कहा, जैसे अगर आपको प्रभु यीशु ने बुलाया है तो आपको वो हाथ उठा के आपको सुरक्षित जगह पे पहुंचाए गए। जैसे प्रभु यीशु ने उस पतरस को, उसने क्या किया, जब वो डूब रहा था प्रभु ने उसको तुरंत हाथ दिया, उसको सुरक्षित जगह पे नाव पे उसको लेकर गए। आज प्रभु, अगर आप इस हालत में है तो आपको विश्वास करना है प्रभु आपके साथ है। जो डूबती हुई जो आपके जीवन है उसमें से आपको परमेश्वर हाथ उठा के आपको सुरक्षित जगह में जरूर लेके जाएगा, जैसे पतरस में हम अंत में देखते हैं। अगर आप हनन्या के जैसा जीवन में है तो परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, आपको हर एक डर का सामना करने के लिए आपको हिम्मत देगा, जो ताकि आप विजय पा सको, हर एक डर का सामना कर सको। हो सकता है आप किसी को परमेश्वर, उस व्यक्ति के पास जाने के लिए आपको डर लगता होगा, मदद करने के लिए डर लगता होगा कि ये मुझे क्या कहेगा, उसको पता है कि मैं विश्वासी हूँ, ये क्या कहेगा। लेकिन आप जो डर है वो प्रभु के पास रखो। अगर प्रभु कहता है जाओ उसके पास, उस समय पे जाओ। जैसे हम देखते हैं वो जब पौलुस उस समय था उधर, जो शाऊल था उधर था, तो उसने दर्शन में देखा कि हनन्या उसके पास जा रहा मदद करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए। तो वैसे भी परमेश्वर जब आपको कहता है तो उस व्यक्ति के जीवन में भी कुछ कार्य करेगा परमेश्वर, और दिखाएगा कि ये व्यक्ति तेरे पास आ रहा मदद करने के लिए। जब आप जाओगे तो उसको पक्का याद हो जाएगा कि प्रभु यीशु जीवित है। तो हमें याद रखना, अगर आप हनन्या से जीवन जी रहे हो तो उसके पास आपको परमेश्वर के पास अपना डर रखना है, और उस व्यक्ति के पास या जो आपको प्रभु कार्य करता है करने के लिए कहता है उसको हमें पूरा करना है। आमीन। आजकल नौजवानों को बहुत सारे मैंने देखा है, वो लोग भी डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं घर परिवार में क्या हालात चल रही है, उससे उनका भी डर, अच्छा ऑटोमेटिक उनके जीवन में भी डर घुस रहा है। तो हमें जो परिवार होने के नाते हमें हमारे बच्चों के पास अपने डर नहीं दिखाना है, लेकिन प्रभु का विश्वास को हमें उनके सामने दिखाना है। हमें कहना है भले डर है लेकिन हमारे साथ कौन है? प्रभु यीशु है। उन्हें हमें ये विश्वास प्रभु यीशु के पास उन्हें हमें पहुंचाना है। और दूसरी बात यह है, जब हम डरते हैं इतना डर देखा, हम कुछ लोगों को देखते हैं वो डर डर के जीने लगता है, जब अंत में अपने आप को वो खत्म कर देता है। क्यों? उसको लगता है कि अभी मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, वो इतना डरने लगता है और अपने आप को अंत में वो खत्म कर लेता है। तो ये डर बहुत बड़ी चीज, खतरनाक चीज है। जैसे वो उसमें फिल्म में कहा, जो डर गया वो मर गया, ये हकीकत में ऐसा ही है। जो आदमी डरने लगता है वो अंत में उसका अंत तय है, लेकिन जो प्रभु पे विश्वास करता है वो सदैव जीवित रहेगा। आमीन। अगर आपके पड़ोस में जो है उसको कहे प्रभु, आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हो, आपके लिए आपने ऑलरेडी विजय हासिल कर दिया है, आपको डरने की कोई चिंता नहीं है। आमीन। आप कह सकते हो प्रभु, बाजू वाले को शाबाश कह सकते हो, आप प्रभु पे विश्वास किया है, आपने विजय हासिल किया है। आमीन। अब अंत करने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर हम हर चीजों से डरते हैं, परमेश्वर हालात से डरते हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा करना परमेश्वर। जब हम डरते हैं आपका वचन कहता है विश्वास कम होने लगता है परमेश्वर। परमेश्वर हमें क्षमा करना, हम आपके ऊपर विश्वास अधूरा विश्वास किया परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो कुछ हालात हमारे साथ होता है परमेश्वर उसमें भी आप कुछ भलाई उत्पन्न करने वाले हो परमेश्वर। जैसे हमने कहानी में देखा हनन्या के साथ, उसमें भी आपने भलाई उत्पन्न किया परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी मदद कर परमेश्वर, ऐसा विश्वास परमेश्वर हमारे अंदर दे परमेश्वर, ताकि हम हर चीजों को परमेश्वर डिफेक्टिव नहीं लेकिन परमेश्वर इफेक्टिव नजर से देखे परमेश्वर। हम जो हर चीज, जो हर परिस्थिति को परमेश्वर हम खोट नजरों से नहीं लेकिन असरदार नजरों से देखे परमेश्वर, हमारे जीवन में असर करे और लोगों के जीवन में भी असरदार हो परमेश्वर। और परमेश्वर हम विश्वास मांगते हैं परमेश्वर आपके पास परमेश्वर, हमारी मदद कर परमेश्वर हर परिस्थिति में परमेश्वर, हम डर को आपके पास रखने की मदद कर परमेश्वर। परमेश्वर हमारी मदद कर इस समय परमेश्वर, हनन्या जैसा जीवन बिताने के लिए मदद कर परमेश्वर। समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।